नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, भोला फिल्म का ट्रेलर कल आ रहा है, कल 6 तारीख को आ रहा है। कितने बजे आ रहा है इसके बारे में तो फिलहाल कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। जैसे रिपोर्ट आती है मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन दोस्तों, एक्साइटमेंट लेवल जो इसका बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही फैंटास्टिक है, माइंड ब्लोइंग है, सुपर है। लोग बहुत बेसब्री से इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं। और जैसा कि अजय देवगन सर ने कहा है कि इस फिल्म के जो एक्शन स्टंट सीन है वो आपको रोमांचित कर देंगे। ऐसे सीन आपने कभी पहले देखे नहीं होंगे जिस तरह से उन्होंने फिल्माए। आखिर वीरू देवगन के बेटे हैं, तो डेफिनेटली अजय देवगन सर आप जानते हैं कि बहुत ही कमाल के, ना केवल एक्टर है बल्कि बहुत ही कमाल के डायरेक्टर भी है। रनवे 34 में मैंने देखा था, उनका डायरेक्शन कितना जबरदस्त था। तो फिल्म नहीं चली ये दूसरी बात है। फिल्म में ना चलने का कारण केवल डायरेक्टर की गलती नहीं होती है, कई तरह की मिस्टेक्स हो जाती है, स्क्रीन प्ले में कमजोर हो जाती है, या सेकेंड हाफ थोड़ा सा उतना कैची नहीं था, तो कई बातें सामने आती है। फिलहाल मैं आज के वीडियो में ये बात करने वाला था कि 17 तारीख को रिलीज हो रही है कब्जा, जबरदस्त फिल्म है, पैन इंडिया मूवी है। कल इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था। और दोस्तों, ये भी एक किच्चा सुदीप है, उपेंद्र है, काफी बड़ी स्टार कास्ट है फिल्म की, और आर चंद्रू ने फिल्म को डायरेक्ट किया है, तो काफी ज्यादा इसका ट्रेलर भी पसंद किया गया है। तो इस फिल्म से भोला पे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। एक तो जहां तक मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म से कोई फर्क पड़ने वाला भोला के ऊपर, क्योंकि दोस्तों एक तो ये है कि ये फिल्म 17 तारीख को रिलीज हो रही है, तो 24 तारीख तक ये फिल्म जितना कलेक्शन करना होगा उतना कर लेगी। विशेषकर हिंदी बेल्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, हालांकि जो साउथ स्टेट्स है वहाँ कन्नडा वगैरह में, तो कन्नडा लैंग्वेज की फिल्म है, तो वहाँ तो डेफिनेटली बवाल करेगी ये फिल्म। लेकिन 7 दिन के बाद में अगर बोला वहाँ रिलीज होती है तो कोई, मेरे को नहीं लगता ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होने वाली है। वैसे भी साउथ में हिंदी फिल्मों के ज़्यादा कलेक्शन आते नहीं है। आप देखते हैं कि पठान फिल्म जिसका कलेक्शन 500 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है, उसका भी साउथ में 20 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन नहीं है। तमिल तेलुगु में रिलीज की गई थी, तो कोई ज्यादा स्टेट में, ज्यादा साउथ स्टेट में तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है वैसे भी। और हिंदी में भोला का क्रेज इतना ज्यादा होगा कि ये फिल्म मेरे हिसाब से भोला पे कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं डालेगी। और अजय देवगन सर ने खुद इस फिल्म के ट्रेलर को सपोर्ट किया है, कल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे फुल सपोर्ट दिया ट्रेलर को और शेयर किया ट्रेलर को, तो ये अच्छी बात है। किच्चा सुदीप और अजय देवगन के बीच में एक बार तनातनी हुई थी, बातचीत हुई थी, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाया था, जब किच्चा सुदीप ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा मानने से मना किया था, और अजय देवगन ने सर ने कहा था कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, और नहीं है तो फिर आप क्यों अपनी फिल्म में डब करके हिंदी में रिलीज करते हैं। तो इसके ऊपर काफी विवाद हुआ था, बाद में दोनों के बीच में सब कुछ फिलहाल ठीक हो गया है, शांत है। और अजय देवगन सर ने उनकी फिल्म कब्जा की तारीफ की है, ट्रेलर को शेयर किया है। दोस्तों, एक फिल्म और रिलीज हो रही है 30 मार्च को, दशहरा। ये भी एक जबरदस्त फिल्म होने वाली है, तेलुगु मूवी है, और नानी और सुरेश कार्थी इसमें प्रमुख भूमिका में है। बहुत ही जबरदस्त फिल्म है ये भी, मैंने इसका टीजर देखा था, बहुत बवाल है और बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है। कोल माइंस की ऊपर ये बैकग्राउंड पे ये फिल्म है, बहुत जबरदस्त कमाल का इसका टीजर था। 30 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है, तो इसका कुछ फर्क पड़ेगा फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, साउथ में फर्क पड़ेगा। साउथ में तो ये फिल्म बहुत आगे रहेगी कोई भी फिल्म हो, लेकिन तेलुगु स्टेट्स में तो ये फिल्म बवाल होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। नानी बहुत ही नेचुरल एक्टर माने जाते हैं, बहुत टैलेंटेड एक्टर है। हिंदी में, हिंदी वर्जन में कहाँ इसका कितना फर्क पड़ता है। तो नानी की फैन फॉलोइंग पूरे इंडिया में, ऐसी बात नहीं, मुंबई में विशेषकर काफी लोग है, काफी प्रशंसक है उनके। अभी उनकी एक विशेष प्रकार की रंगोली भी बनाई गई थी, तो दशहरा के बैकग्राउंड पे, विजयदशमी के बैकग्राउंड पे आधारित है ये फिल्म। जबरदस्त फिल्म है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है इसका, अगर फिल्म में दम हुआ तो डेफिनेटली कुछ फर्क इसका पड़ने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको ये कहूंगा कि भोला फिल्म अपने आप में एक बवाल है, तूफान है, जबरदस्त बवाल तूफान है भोला। तो भोला के सामने मेरे, मुझे नहीं लगता कि कोई सी भी फिल्म टिक पाएगी इस समय। पहले बवाल होने वाला था, 7 अप्रैल को बवाल आ रही थी, आपको पता है, प्रमुख धवन की, नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्ट की फिल्म, उन्होंने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी थी, क्योंकि उनको पता है कि भोला नाम का तूफान है वो केवल 7 दिन में थमने वाला है नहीं। तो अच्छा किया उन्होंने अपनी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी, हालांकि उन्होंने कहा कि वीएफएक्स का काम नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल समस्या है जिसके कारण अब डेट आगे बढ़ा गए। लेकिन साथ में एक भोला का खौफ भी था कि भोला आ रही है 30 मार्च को, तो भोला एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत जबरदस्त इसका प्रमोशन चल रहा है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो बाजी है वो भोला के ही हाथ में आने वाली है, क्योंकि भोला आपका गोला है, ऐसा सब अजय देवगन के प्रशंसक कह रहे हैं, और मैं भी कल ट्रेलर का इंतजार कर रहा हूँ। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।